Hello class, so we are going to start chapter 1 today, and in a separate video I gave you all the topics in detail, what is subject and predicate, and second is compound subject and predicate, okay, compound subject and compound predicate, and type of sentences, assertive, interrogative, exclamatory, imperative. These all I have given in a separate video, the chapter is very clear there. But let's revise once, okay? For so many days the same topic is going on. So let's see what is subject and predicate. Subject, you all know, subject is the person or thing we talk about, okay? जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. प्रेडिकेट, जो बात हम कर रहे होते हैं, दैट बात इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट, ओके. एक चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं या कोई काम के बारे में हम बात, मतलब जो भी टॉपिक है, जो टॉपिक है बात का, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. और जो बात कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, दैट इज़ प्रेडिकेट, ओके. जैसे लिखा है द मैन ब्लू फ्रॉम, ओके दिस इज़ टू मैच, ओके. मैच ईच सब्जेक्ट विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेडिकेट, एंड आई थॉट इट बेटर नॉट टू गिव द आंसर, ओके. बेटर यू डू इट योर सेल्फ. एंड वॉट इज हेड वर्ड इन सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मे बी ऑफ मोर देन वन वर्ड, हो सकता है सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड्स हो, ठीक है. तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं तो वो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, और उसमें से आपको हेड वर्ड खोजना होता है. जैसे लिखा हुआ है डर्टी डिश ले ऑन द अर्थ, ठीक है. यू कैन सी फर्स्ट एक्सरसाइज, अ डर्टी डिश ले ऑन द अर्थ. सो डर्टी डिश, यहाँ पे बात क्या हो रही है, बेसिकली व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज अ डर्टी डिश, ठीक है. जहाँ से सेंटेंस में वर्ब आ जाता है वहाँ से सेंटेंस प्रेडिकेट हो जाता है. सो अ डर्टी डिश में जो मेन चीज़ है जिसके बारे में बात करें, दैट इज डिश. अ और डर्टी डिश के बारे में बता रहे हैं, डिश को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक. सेकेंड इज द ब्रेक्स ऑफ द कार. सो द ब्रेक द कार, इतना यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब कहाँ से आया? वर्ड से आया, ओके. जो आपका प्रेडिकेट हुआ वो वर्ब से हुआ, क्योंकि जहाँ से वर्ब आएगा सेंटेंस में वहाँ से सेंटेंस प्रेडिकेट हो जाएगा. दीज आर द वेरी सिंपल थिंग यू हैव बीन लर्निंग फ्रॉम सो मेनी टाइम्स, सो मेनी ईयर्स. सो बट एक रिविजन के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज वाइल डूइंग एक्सरसाइजेस. तो द ब्रेक्स ऑफ द कार, ये आपका सब्जेक्ट है इतना बड़ा, लेकिन इसमें जो हेडवर्ड है वो आपका ब्रेक्स है. गॉट इट? चलिए, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट में क्या क्या होते हैं? प्रेडिकेट में वर्ब होता है, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट होता है, ये सारी चीज़ें प्रेडिकेट में होती है. एक ऐसे जनरल रिविजन आपको बता दे रहे हैं. वर्ब क्या होता है आप सब जानते हो, वर्ब इज एक्शन, डूइंग एक्शन, कोई एक्शन वाला ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो कि एक्शन के बारे में बताए उसको हम वर्ब कहते हैं, ठीक है. जब वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि यू माइट हैव डन इट अर्लियर, ठीक है. सो माइट हैव डन, यहाँ पे तीन वर्ड आ गए, तीनों वर्ब हैं, तो वो ग्रुप में हो गया वर्ब, ठीक है. वर्ब फ्रेज वाला वर्ब हो जाता है, एक से ज़्यादा शब्द जैसे वो तुरंत फ्रेज हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे वर्ब ही केवल वर्ब है, दो तीन केवल वर्ब ही है, तो भी वो आप कह सकते हैं कंपाउंड हो गया या फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है. मतलब वो फ्रेज हो गया, वो वर्ब फ्रेज हो गया. चलिए, नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यू ऑल नो, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन. ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है. वाटर हु से क्वेश्चन करने में मिल जाता है, ठीक है. ये सब डिटेल में भी हम देखेंगे इसको, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब में हम देखेंगे, ठीक. बट बाकी जो हम इसकी डिटेल वीडियो दे रहे हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना. कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट की वीडियो मैंने बहुत वो डिटेल में समझा के दी है, हैंड रिटन. गौरव एंड सबीना गो टू द सेम स्कूल. सो गौरव एंड सबीना, देर आर टू नेम्स, टू पीपल आर देर, और दोनों सब्जेक्ट हैं, ठीक है. यहाँ पे अब सब्जेक्ट एक ही है, बट वो उसमें दो लोग हैं इसलिए कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, एक से ज़्यादा हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया. द बुक शेल्फ और द बुक केस हैज़ टू गो, या तो बुक शेल्फ जाएगा या तो बुक केस जाएगा. तो इसमें दो चीज़ें हो गई, ठीक है. वो किसी कनेक्टर से जुड़ा है आपका सब्जेक्ट, कोई कंजंक्शन है, कनेक्टर है, एंड है, और है, नॉर है, इन सब से जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट, तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, ठीक है. आप कैसे पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट आपका कंपाउंड है कि नहीं? यू नीड अ कंजंक्शन, कोई कंजंक्शन आपको जहाँ से मिलता है और दो वर्ड्स को, सब्जेक्ट के दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, उसके बाद में वर्ब आएगा, उसके पहले कोई वर्ब नहीं आना चाहिए, ठीक है. आप कहाँ से कैसे पहचानेंगे कहाँ से कहाँ तक सब्जेक्ट है? जब आपको एक वर्ड से दूसरे वर्ड, मतलब वहाँ पर वर्ब स्टार्ट ना हो, और जो शब्द हो, मतलब जो सब्जेक्ट के वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो थ्रू कनेक्टर, कंजंक्शन के थ्रू जुड़े हुए हो, उसको हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट. गॉट इट? और जहाँ से फिर वर्ब स्टार्ट हुआ, तो यू सब्जेक्ट में भी लॉन्गर देन द प्रेडिकेट. देखिए, द बुक शेल्फ और द बुक केस हैज़ टू गो इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. एंड द बिगर पार्ट इज़ द बुक शेल्फ और द बुक केस, ओके. गॉट इट? एंड नेक्स्ट
पास्ट. सो दीज आर ऑल एंड और बोथ ईदर ईदर और नीदर नॉट. दीज ऑल आर द कनेक्टर्स दोज मेक द सब्जेक्ट कंपाउंड. ये सारे कनेक्टर्स हैं जो सब्जेक्ट को कंपाउंड बना देते हैं. ओके गॉट इट. सो टाइप ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू फंक्शन. सो लेट्स रिवाइज इट वंस. असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप किसी को कुछ बताते हैं इसको असर्टिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं. वैन यू से समथिंग, जब आप किसी को कुछ बता रहे होते, वैन यू टेल समथिंग, जस्ट टेल समथिंग, ऐसा हुआ वैसे हुआ, आई गॉट अप अर्ली, ही डजेंट वर्क, वो काम नहीं करता, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. दीज आर द असर्शन, बताना. असर्शन मीन्स आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स इन जस्ट वन वर्ड यू कीप इन माइंड द असर्शन मीन्स बताना. ठीक है, वो नेगेटिव तरीके से भी आप बता सकते हो, आप पॉजिटिव तरीके से भी बता सकते हो. ठीक है, अफर्मेटिव. अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव मीन्स आपको पता ही है, नो नॉट नेवर जहाँ भी आ जाता है सेंटेंस में वो नेगेटिव हो जाता है. ओके सो असर्टिव भी हो गया और नेगेटिव हो गया, नो नॉट नेवर किसी भी सेंटेंस में आ गया तो वो. लेकिन ये असर्टिव दोनों ही असर्टिव है, दोनों बताए जा रहे हैं. ठीक है, बताने का दो तरीका होता है, चाहे आप बताओ कि हाँ मैं आज ठीक हूँ, आपने कहा कि अरे मैं तो आज ठीक नहीं हूँ, तो भी तो आप बता ही रहे हो. सो असर्टिव में ही हो. और उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इनको इंट्रोगेशन मीन्स टू आस्क. ठीक है, पूछना. इंट्रोगेशन मीन्स आस्किंग क्वेश्चंस. जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, व्हाट इज़ अ सेंटेंस, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ क्लॉज, व्हेन आर वी हैविंग अ नेक्स्ट टेस्ट, डिड यू से इट टुमारो. सो ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया. इंट्रोगेटिव आपको पता है डब्ल्यू एस टाइप और यस नो टाइप होता है, जो वर्ब से स्टार्ट होता है. जैसे कि अभी ये स्टार्ट हुआ, डिड यू से तुम्हारा, क्या तुमने कल कहा, तो आप कह सकते हो यस और नो. तो ये जो वर्ब से स्टार्ट होता है जो क्वेश्चन, उसका आंसर यस नो में आ सकता है. केवल यस नो बोलने पे भी उसका कंप्लीट आंसर आ सकता है. दैट्स वाई वी कॉल इट यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. डब्ल्यू एस टाइप, इट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन, पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए उसको, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो डब्ल्यू यस टाइप हो जाता है. ठीक है, इम्परेटिव मीन्स टू आस्क समवन टू डू समथिंग. किसी को कुछ करने के लिए कहना, जहाँ पे किसी से कोई काम करवाया जा रहा होता है, क्या किसी से कोई फेवर मांगते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस. गिव मी दैट बुक, मुझे ये बुक दे दो. क्लोज द डोर, सिट डाउन, स्टैंड अप, प्लीज शो मी द वे टू द स्टेशन. सो ये सारे क्या हो गए, किसी से कुछ करने के लिए आप चाहे पोलाइटली कहिए, चाहे आप रूडली कहिए, चाहे आप ऑर्डर करिए, कमांड करिए, किसी भी वे में, जस्ट कीप इन माइंड दैट when you ask someone to do something, जब आप किसी से कुछ करने के लिए कहते हो, मैनर आपका कोई भी हो, ऑल द मैनर्स, इम्परेटिव सेंटेंस कंप्राइज ऑल द मैनर्स. ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज इज अ सडन आउटकम ऑफ योर फीलिंग. सडन आउटकम ऑफ योर फीलिंग. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज. वॉट लवली रोजेज दीज आर. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज यू कैन वेरी इजिली आइडेंटिफाई वैन यू सी एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स. एंड वैन यू आर गोइंग टू फॉर्म योर सेल्फ, यू मस्ट कीप इन माइंड दैट दिस इज सडन आउटकम ऑफ योर फीलिंग. आपकी फीलिंग मतलब अचानक से जब फीलिंग निकलती है आपकी, जो आपने पहले से सोचा ना हो. एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट के नॉट बी थॉट बिफोर हैंड. ओके, जो सोचा नहीं जा सकता. आपने बहुत सुंदर सी सीनरी देखी और आपके मुँह से निकला वाओ. सो दिस इज वाओ इज एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड. इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है. इनका ये जो साउंड होते हैं ना, इनका इन साउंड का एक टोन होता है, पॉजिटिव टोन, नेगेटिव टोन, ग्लूमी टोन. कोई कहता है अलास. अलास मीन्स बहुत, मतलब बहुत बुरा वाला एक्सप्रेशन आता है. कुछ आप एकदम कहते हैं शाब्दिक अर्थ इसका आप नहीं खोल सकते, बस इसका सेंस होता है कि ये बुरे सेंस का, ये हुर्रे हुर्रे साउंड करता है, सो खुशी को साउंड करता है. ठीक है, खुशी को एक्सप्रेस करता है, खुशी वाला टोन है. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स यू कैन फाइंड. एंड ऑल्सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई वेन देर इज़ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके, सो ये हो गया आपके सारे सेंटेंसेस. इफ देर इज स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, गॉट इट. और ट्राई टू डू ऑल द एक्सरसाइजेज योर सेल्फ. दिस इज वेरी इजी, वेरी 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 इजी. ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज रिटन, दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस. अब आपको इसको एक्सक्लेमेटरी बनाना है. यू कैन, व्हाट अ ब्यूटिफुल प्लेस इज दिस. ओके, आप आराम से बना सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटिफुल प्लेस दिस इज, और साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे, बन गया. ठीक, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, कोई दिक्कत. ऐसे ही सारी चीज़, जैसे राधा फेल्ड इन हर अटेम्प्ट टू कन्विंस मी, तो चेंज करना है इसको नेगेटिव है. राधा फेल्ड लिखा है पास्ट में, तो आप कह सकते हो उसको राधा डिड नॉट फेल. पास्ट में है तो उसको डिड नॉट फेल कर दो. ठीक है, हो गया, नेगेटिव हो गया आपका. नेक्स्ट है अफर्मेटिव में है, तरुण इज नॉट हैप्पी विद द चेंज इन सिलेबस. नॉट हटा दो, अफर्मेटिव बन गया. ठीक है, नेगेटिव का उल्टा अफर्मेटिव होता है. अफर्मेटिव मतलब सहमत है आप किसी बात से, नेगेटिव मीन्स नहीं सहमत है. तो ये सेंटेंस आपका सहमत नहीं है, उसको सहमत करते हैं. तरुण इज
हैप्पी विद द चेंज इन सिलेबस, ठीक है, अफर्मेटिव हो गया. सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी चैप्टर एंड आई वॉन्ट यू टू डू इट योर सेल्फ. ओके, इट जस्ट टेक इट एज अ रिविजन एंड फर्स्ट चैप्टर आई वॉन्ट टू बी कम्प्लीटेड इन यू कॉपी. दैट्स ऑल फॉर दिस लाइक.